congratulations. Thank you so much. शादी की पहली सालगिरह मुबारक. Thank you. तुम कब आई सौम्या? काफी देर हो गई. वैसे मैं पार्टीज में कभी लेट नहीं होती हूँ. लगता है तुम्हारा ऑलरेडी एक हो चुका है. हाँ, एक ये दूसरा है. भाई मुबारक हो अनीश. भाई थैंक यू सो मच. बाकी फ्रेंड्स कहाँ हैं? वो है ना. यू गाइस एंजॉय. या यार एक साल बीत गया और पता भी नहीं चला. हाँ यार बिल्कुल पता नहीं चला यार. सीरियसली. और तू तो बहुत लक्की है, इतनी अच्छी वाइफ मिली और तेरा होटल भी अच्छा चल रहा है. हाँ यार भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है. सीरियसली. मेरा काम डाउन यार, जाने भी देना. अब जो हुआ सो हुआ. अचानक इनके बीच में क्या हो गया? मैं भी आया. छोड़ना यार, दोस्तों की बात है, निपट लेंगे आपस में. तू मत जा बीच में. मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी. मेघा ड्रामा करना बंद कर और चिल्लाना बंद कर. हमें भी चिल्लाना आता है मगर हम लोग करते नहीं, वो अलग बात है. मेघा 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 क्या हुआ? मेघा बात तो सुनो. अरे बताओ तो सही क्या हुआ? कुछ नहीं बस ऐसे. मेघा तुम पार्टी छोड़ के क्यों चली आई, बोलो ना. कुछ नहीं. नहीं कुछ तो हुआ और तुम मुझे बता नहीं रही. बताओ ना क्या हुआ. वो प्रीति और सौम्या क्या समझती अपने आप को? क्या है वो? कोई स्वर्ग से उतरी अप्सरा है क्या? क्या कहा उन्होंने? कुछ कहा तुमसे? अभी जाके उन्हें पार्टी से बाहर करके आता हूँ. बताओ क्या कहा. कहने लगी कि मेरी साड़ी अच्छी नहीं है, मैं बेकार लग रही हूँ. उन दोनों को क्या मालूम कि तुम्हारी साड़ी अच्छी है या नहीं? और कौन कहता है कि तुम अच्छी नहीं लग रही? तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी. तुम यहीं रुको, अभी जाकर उन्हें पार्टी से बाहर करके आता हूँ. नहीं नहीं जाने दो, लोग क्या कहेंगे. तो फिर पार्टी में वापस चलो, मैं अपनी एनिवर्सरी वेस्ट नहीं करना चाहता. चलो मैं अपना मेकअप ठीक करके आती हूँ. ठीक है तुम अपना मेकअप ठीक कर लो, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा. तुम्हारा इंतजार करूंगा. ठीक है? बस अनीश हम दोनों यहाँ हैं, तो लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा ना तुमसे, मुझे किसी की परवाह नहीं. मैं आती हूँ. के 20 मिनट लगा दिया. मेघा मेघा मेकअप ठीक किया नहीं? मेघा मेघा जल्दी करो, सारे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं. मेघा दरवाजा खोलो. मेघा मेघा तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है नहीं? मेघा 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 कुछ कुछ हो तो नहीं क्या? जी सर, इस कमरे की डुप्लीकेट चाबी ले जाओ जल्दी. अभी लाया सर. मेघा मेघा दरवाजा खोलो. मेघा क्या हुआ सर? क्या हुआ? दरवाजा खोलिए. मेघा 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 कहाँ चली गई वो? सर क्या मेघा मैडम रूम में थी? और नहीं तो क्या, मैं कमरे के बाहर ही खड़ा था. मगर सर कमरे में तो कोई भी नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे सामने तो वो अंदर आई थी. लेकिन सर सर ऐसा भी तो हो सकता है वो कमरे से बाहर निकल गई और आपको पता ही नहीं चला हो. मैं कमरे के बाहर से हिला तक नहीं. अगर वो बाहर आती तो मुझे दिखाई तो देती. सर चिंता मत करिए, मैं बाहर जाकर पार्टी में देख लेता हूँ. कोई फायदा नहीं, इस कमरे में जरूर कुछ गड़बड़ है.
मेघा को कुछ हो गया। सर अब टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, हमें सीआईडी को फौरन फोन करना चाहिए। सुना है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, किसने फोन किया था? जी सर आइए। इन्होंने मिस्टर अनीश। मिस्टर अनीश क्या हुआ है यहाँ पे? सर मेरी बीवी गायब हो गई है। गायब हो गई? जी हाँ गायब हो गई है, इस कमरे के अंदर से। रूम के अंदर से आपकी पत्नी गायब कैसे हो गई? और आप कहाँ थे जब आपकी वाइफ गायब हुई? सर मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था और वो रूम के अंदर था। तो तुम कमरे के बाहर ही खड़े थे? जी सर। और तुम्हें पता ही नहीं चला कि वो गायब हो गई? ठीक है अब आप लोग बताइए क्या हुआ था यहाँ पार्टी में? वो हम लोग से सर ठीक ठाक से बातें कर रही थी, पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सर वो भाग के बाहर आ गई। तो मैंने भी पूछा था क्या हुआ मेगा, तो क्या बताया उसने? अब कहने लगी कुछ नहीं, अभी आती हूँ कहकर अंदर चली गई। सर तो तुम कमरे के बाहर खड़े थे और वो कमरे के अंदर चली गई? जी हाँ सर। और गायब हो गई? सर बंद कमरे के अंदर से वाइफ गायब हो गई, कहीं ये आत्मा वात्मा? चुप रहो, जुबान में से एक लफ्ज नहीं निकालना अभी, समझे? अभिषेक जाके इस कमरे को अच्छी तरह से चेक करो अंदर बाहर। तुम क्या करते हो यहाँ? जी सर मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ और मिस्टर अनीश इस होटल के मालिक हैं। तो तुम मालिक हो होटल के? जी सर। कहीं तुमने झगड़ा तो नहीं किया अपनी बीवी के साथ? नहीं सर, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। पूरे होटल में ढूंढा उसे? जी हाँ सर। बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा आपकी बीवी का फोटो है आपके पास? जी है। अच्छा देखिए, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता इस होटल में जितने सारे लोग हैं कोई भी बाहर नहीं जाएगा, समझा? सारे लोगों के साथ अच्छी तरह से पूछताछ करो और देखो एक एक जगह को अच्छी तरह से ढूंढो।
दरवाजा खोलो निशा, निशा दरवाजा खोलो निशा, निशा क्या हुआ? सर काफी देर से दरवाजा खटखटा रहा, मेरी भी दरवाजा नहीं खुल रही। शायद सो रही होगी वो। ऐसी कैसी नींद है सर, 10 मिनट से दरवाजा खटखटा रहा। अच्छा, किसी होटल वाले को बुला लिया होता, चाबी से दरवाजा खोल के देख सकते थे। सर मैंने रिसेप्शन पर फोन किया था मगर किसी ने फोन उठाया नहीं, मुझे लगा सब बिजी होंगे। वो होटल मालिक की बीवी गायब है। उसकी बीवी तो गायब नहीं, तो आप जरा पीछे। सर खटखटाने पे भी नहीं उठे तो कुछ गड़बड़ है क्या? देखता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। समझ लिया। ऐसा नहीं हो सकता। आप हाथ नहीं लगा सकते। निशा प्लीज, तू मुझे छोड़ के नहीं आ सकती। निशा संभालो। इसे दिल की कोई बीमारी थी? नहीं सर, हाथ की तो कोई बीमारी नहीं थी। तो फिर ऐसे कैसे अचानक मर गई? पता नहीं सर, अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक थी, मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए गया था फोन करने के लिए। किसे किसे फोन करने के लिए गया था तुम? सर रिसेप्शन पे फोन करने गया था, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए थी, मगर किसी ने फोन उठाया नहीं तो मैं वापस चला आया। मगर फोन करने के लिए तुम बाहर क्यों गए? फोन तो तुम यहाँ कमरे से भी कर सकते थे। फोन बंद है सर, आप चाहे तो खुद चेक कर सकते। फोन तो बंद है, इसलिए सर मैं कॉरिडोर में गया था फोन करने के लिए। कहाँ है लाश? सर लाश अंदर है सर। ये एक औरत गायब है और एक की लाश यहां पर पड़ी है। अनीश, तुम्हारी बीवी मेघा गायब हो गई और तुम्हारी बीवी निशा, उसका खून हो गया एक ही दिन इसी होटल में। तो क्या तुम्हारा किसी पर शक है? किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से दुश्मनी, यार दोस्त या बिजनेस पार्टनर से? सर मेरी तो कोई किसी से दुश्मनी भी नहीं है और ना ही मेरी बीवी की। हम दोनों तो यहाँ खुशी खुशी छुट्टियां मनाने आए थे, मुझे क्या पता था यहां मेरी निशा का खून हो जाएगा। अनीश, तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं सर, मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, ये सब मेरे लिए एक बराबर। वाइफ का किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं, मेरे सामने तो कुछ नहीं हुआ, मगर 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 क्या? मगर प्रीति और सौम्या के साथ कुछ हो गया था। कब से हम यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कुछ हुआ था क्या? और आप बता रहे हो क्या हुआ था? सच्चाई क्या है तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए। प्रीति और सौम्या सर, हमने कुछ नहीं किया सर। सब मेघा की साड़ी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो इसलिए शायद वो पार्टी छोड़कर चली गई होगी। हाँ सर, मैंने किया था सर। अच्छा, तुमने किया था? तुमने लाश को देखा पहले? जी सर। वैसे एक बात बताओ,
तुम कर क्या रहे थे यहाँ पर? सर मैं तो सुबह सुबह टहलने के लिए निकला था सर, मैंने देखा कि एक औरत की लाश पड़ी है, मैंने फोन किया आपको। टहलने निकले? जी। अच्छा जरा पलटो इसे। ये सर, ये मेघा है सर, अनीश की बीवी। मेघा अनीश की बीवी? ये होटल से इतनी दूर जंगल में क्या कर रही थी? इसका मतलब सर ये गायब हुई नहीं है, गायब कर दी गई है। अभिषेक, ये अनीश ने तो हमें बताया कि जब ये कमरे के अंदर थी तब तो वो कमरे के बाहर खड़ा था, तो फिर ये इतनी दूर आई कैसे और इसे लाया किसने? और कोई चोट वोट के निशान है? नहीं सर, शरीर पे चोट वोट का कोई निशान तो नहीं है, मगर सर यहाँ पे ये मुंह पे यहाँ पे कुछ निशान है, ऐसा लगता है किसी ने इसका मुंह दबा के रखा था काफी देर तक। अपनी जान बचाने के लिए भातापे में शायद ये निशान लग गए होंगे। जी, ये ब्लैंकेट देखा? ये तो सर ये होटल का ही ब्लैंकेट है सर, होटल के कमरे में ऐसा ही ब्लैंकेट था। मतलब सर ये होटल का ही कोई आदमी है जिसने ये सब किया है। सर होटल से ब्लैंकेट चुराया, लाश को ब्लैंकेट में लपेटा और अनीश के नाक के नीचे से कमरे से बाहर इतनी दूर लाके फेंक दिया। कमाल कर दिया सर खूनी ने। सर मेघा का खून उसी कमरे में किया गया है ना? हाँ सर। पर वो भी कुछ ही मिनटों में, जबकि अनीश उस कमरे के बाहर खड़ा था, ना उसने कोई चीख सुनी ना चटपटाने की आवाज, बस कुछ ही मिनटों में मेघा का खून हो गया और उसकी लाश को भी गायब किया गया। ऐसे कैसे हो सकता है, हो सकता है? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा होना तो मुश्किल है लेकिन हुआ है। होना तो मुश्किल है लेकिन हुआ है अभिजीत, हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो ये किसी एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता सर। हाँ सर, और ये जगह अनीश के होटल से कम 20 किलोमीटर दूर है। वही तो, ये किसी एक ने लाश को यहाँ नहीं लाया है। आसपास का चप्पा चप्पा छान मारो, देखो कोई और निशान मिलते हैं क्या। देखो सर ये काम अनीश का तो नहीं है। कमरे के बाहर वो तब तक खड़ा रहा जब तक ये लाश गायब नहीं कर दी गई और उसके बाद उसने ये हल्ला वल्ला मचाया। मैं भी यही सोच रहा हूं अभिजीत, यही सोच रहा हूं मैं भी। ताजा ताजा निशान है गाड़ी के टायर का, शायद खूनी के गाड़ी के निशान होंगे सर, क्योंकि और किसी गाड़ी का यहाँ पे आने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, देख एक काम करो, इस टायर के निशान को उठाओ, होटल में जितनी सारी गाड़ियां उन सब के टायर के साथ मैच करके देखते हैं, हो सकता है ये गाड़ी होटल की ही हो।
अब खूनी का बचना मुश्किल है सर। सुनो जी, यहाँ के कार पार्किंग का काम तुम देखते हो? हाँ सर। तुम इंचार्ज हो यहाँ? जी। सारी गाड़ियाँ यहीं पे है पार्किंग लॉट में या कोई गाड़ी यहाँ से बाहर गई? नहीं सर, जब से आपने मना किया तब से किसी भी गाड़ी को बाहर नहीं जाने दिया, सभी गाड़ियाँ यहीं पर है सर। सभी गाड़ियाँ यहीं पर है? जी। चलो ठीक है अभिजीत, काम करो, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सबके टायर मार्क्स हमें जो टायर मार्क का निशान मिला है उससे मैच करके देखो। पे किसी भी गाड़ियों के टायर मार्क्स मैच नहीं हो रहे। तो वो गाड़ी यहाँ पर नहीं है लगता कुछ ऐसी है सर। फिर ये गाड़ी गई कहाँ होगी? कुछ मालूम है कहाँ गई गाड़ी? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? ऐसे कैसे मालूम नहीं? ठीक से याद करके बताओ, जब हमने गाड़ियों को बाहर जाने से मना किया था शायद उससे पहले कोई गाड़ी बाहर गई हो, हाँ याद करो। हाँ सर, एक गाड़ी बाहर गई थी 9:45 बजे। कहीं ये गाड़ी वो तो नहीं है? 9:45 बजे? 9:45 बजे तो ये मेघा भी गायब हुई थी। तो फिर अभिजीत कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी गाड़ी में से मेघा की लाश को बाहर फेंका गया और फिर गाड़ी को कहीं पर छुपा दिया गया? हो सकता है। हम जरा वो रजिस्टर लेकर आओ जिसमें कार के अंदर आने का टाइम और बाहर जाने का टाइम लिखा रहता है। जी सर। सर 9 बजे गाड़ी गई है, MZ01KK1010। किसकी गाड़ी है ये? सर ये तो राकेश जी की गाड़ी है सर, वो इसी होटल में रुके हैं सर। इसी होटल में अभी भी है यहाँ पे? जी हाँ होंगे सर। चलो देखते हैं। कहिए सर, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपके लिए? कोई राकेश कुमार नाम का आदमी यहाँ पे ठहरा हुआ था, क्या जरा देख के बता सकती है? अभी बताती हूँ सर। कहाँ है मेघा? कहाँ है मेघा? सॉरी अनिश जी, मगर आपकी बीवी मेघा की मौत हुई है, खून किया है किसी ने उसका। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। देखो अनिश, जो होना था वो तो हो ही चुका है, संभालो। किसने मारा उसे? तुम्हारे होटल का ही कोई आदमी है। होटल का कौन? अभी तो पता नहीं है, वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेघा की लाश के पास उस आदमी की गाड़ी के टायर के निशान मिले हैं, राकेश नाम है उसका। मिल गया सर। मिस्टर राकेश 3 दिन से हमारे होटल में रुके हुए हैं। 3 दिन से? अभी भी है वहाँ? जी सर अभी भी है, रूम नंबर 201 में। तोड़ दो।
कमाल है। इस होटल के हर दूसरे कमरे में एक लाश पड़ी। ये होटल है कि शमशान, हर जगह लाश ही लाश है। यहाँ पे भी बंद कमरे में लाश है सर, कौन आया किसने मारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा हुआ मर गया, मुझे मेरी बीवी का बदला मिल गया। तुम जानते हो इसे, पहचानते हो? नहीं सर। अब बता सकते हैं कि इस आदमी ने आपकी वाइफ को क्यों मारा होगा? नहीं सर। सर ये देखिए, इसके शरीर पर काफी नीले निशान हैं। सारे शरीर पे ये नीले नीले निशान। इन दोनों की मौत एक ही तरीके से हुई है। हाँ सर, और इसके शरीर में भी कोई चोट का निशान नहीं है। इसका मतलब यह है तारिका कि कोई एक ही है जो ये सब कुछ कर रहा है। सारंगी, इसीलिए तो हम बार बार तुम्हारे पास आ रहे हैं ये पता करने के लिए कि हो क्या रहा है। बस एक काम करो, इसकी नाक के अंदर देखो। आओ आओ, ये देखो बस, ये इसकी नाक के अंदर ये नीले नीले निशान। और याद है बस, जहां जहां भी इसकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे वहां वहां पर ऐसे ही नीले निशान हैं। और ये नीले निशान पॉइजन की वजह से, जहर। जहर? और सांखे, इन दोनों लड़कियों के पोस्टमार्टम में तो कोई जहर नहीं मिला था। क्योंकि लड़की को कम मात्रा में जहर दिया गया था और इस आदमी को मारने के लिए जहर ज्यादा मात्रा में दिया गया है। डॉक्टर साहब, ये जहर कैसे दिया गया होगा? जहर हवा में था, हवा से नाक में गया और नाक के जरिए फेफड़ों में। पर सर, हवा में जहर आया कहां से? जहर कमरे में फैला हुआ था, ये भी वहीं मौजूद होगा। जैसे इसने सांस ली जहर अंदर चला गया। शायद ऐसा हुआ होगा कि ये सो रहा था, तब इसे पता भी नहीं चला होगा कि कब जहर इसके नाक के जरिए अंदर चला गया। एग्जैक्टली। और जब तक इस बेचारे को पता चलता कि ये मरने वाला है, इसकी मौत हो चुकी थी। मगर उसने इसके कमरे में जहर फैलाया कैसे? इस कमरे की एक एक चीज को अच्छी तरह से चेक करो, छोटी सी छोटी चीज, एसी, फैन, सब कुछ सब कुछ। ये देखिए, यहाँ इस एसी से जहर आया है, ये देख रहे हैं ब्लू कलर। ये नीला रंग बिल्कुल वैसा ही है जैसा राकेश की बॉडी पे था। जरा इस पे स्प्रे करना। हाँ सर, कमरे में जहर यहीं से आया है, ये देखिए। इसका मतलब है राकेश जब सो रहा था तो बेचारे को पता ही नहीं चला होगा सांस लेते वक्त कि कब ये जहर एसी की हवा के जरिए उसके शरीर में चला गया। लोग ना जाने क्या क्या तरीके अपनाते सर खून करने के। हाँ फ्रेडी, बड़ा चाला खूनी है ये। इसने ना गन यूज की ना चाकू, और खून कर दिया। सर, ये इसे कुछ अजीब तरीके से लगाया गया। क्या मतलब? सर ये जो कीले हैं सर, ये बाहर से लगाए गए जिससे कि कोई ये एसी बाहर निकाल ना सके, जबकि ज्यादातर ये स्क्रूज अंदर से होते हैं इसके बॉक्स में। मतलब एसी में गड़बड़ है सर। बाहर से चेक करो एसी को।
पे तो एसी को बाहर से हैंडल लगा हुआ। बाहर से हैंडल? हाँ, गड़बड़ है दया, देखो निकलता है क्या? आसानी से निकल रहा है। निकल। ये एसी भी है सर और जुगाड़ भी, अंदर बाहर आने जाने का। बड़े आसानी से कोई भी इस रास्ते से इस कमरे के अंदर आ सकता है या बाहर भी जा सकता है बिना दरवाजा खोले। मेघा को भी इसी रास्ते से गायब किया गया और फिर उसका खून किया गया, और निशा के कमरे में भी इसी रास्ते से आकर उसके रूम के एसी में जहर डाला गया। बहुत बड़ी प्लानिंग। मेघा का कमरा चेक करते हैं। अब पता चल रहा है कि बंद कमरे में ये सब हुआ कैसे। और सर एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि खूनी ने खून करने के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई। कमरे का एसी निकाला, यहां से अंदर आया, खून किया और फिर लाश को यहां से बाहर ले गया और एसी को वापस लगा भी दिया ताकि किसी को पता ही ना चले कि क्या हुआ कैसे हुआ। और तो और अनीश कमरे के बाहर खड़ा हुआ था, खूनी ने इतना खतरा क्यों उठाया होगा। जिस किसने भी ये खून किया है वो इस होटल के बारे में अच्छी तरह से जानता है और एसी के बारे में भी। और सर इस कमरे के एसी पे भी वैसे ही नीले निशान लगे सर जैसे राकेश के कमरे के एसी पे लगा हुआ था। सर हाँ। सर निशा के कमरे में भी वैसा ही एसी है जैसा राकेश के कमरे में था। होटल के बाकी के एसी एकदम ठीक ठाक तरीके से लगे हुए सर, अंदर से खुलते बाहर से नहीं। मतलब होटल के सिर्फ 3 कमरों के एसी बदले गए। क्यों? होटल के एसी मैकेनिक से पूछना पड़ेगा। क्या इलेक्ट्रिशियन कौन है? इलेक्ट्रिशियन? हाँ, या बिजली का काम और एसी वगैरह कौन देखता है? नीलेश, नीलेश देखते हैं एसी और बिजली का काम। नीलेश कहाँ है? नीलेश सर वो यहीं कहीं होना चाहिए सर। वो रहा। राकेश, निशा, मेघा, इन तीनों को तुमने मारा है? हाँ साहब, मैंने ही मारा। क्यों मारा? पैसों के लिए साहब। किसने दिया? मुझे नहीं मालूम साहब। कमाल है, जिस आदमी को तुम जानते नहीं हो उसके लिए 3 खून किए तुमने है? मैं उसे नहीं जानता साहब। टाइम बहुत कम है, जल्दी से बताओ किसने दिए थे तुम्हें पैसे? मुझे नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम? हाँ नहीं मालूम। बोल। बोल। मैं सच कह रहा हूँ साहब, वाकई मैं उसे नहीं जानता। एक दिन शाम को जब मैं घर पहुंचा तो वो मेरे घर में पहले से बैठा था। तुम्हारे घर में बैठा और तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? साहब घर में अंधेरा था इसलिए चेहरा नहीं देख पाया। तो वो औरत भी तो हो सकती है? पता नहीं। आवाज तो सुनी होगी तुमने उसकी? हाँ सर, आवाज तो सुनी थी, पर आवाज कुछ ऐसी आ रही थी जैसे मुंह पर कोई कपड़ा लगाकर बोल रहा हो। कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कौन है वो। क्या कहा उसने? उसने कहा कि कमरे के एसी के फिल्टर में जहर मिला दो, उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। और उसने मुझे टाइम भी बताया था। क्या टाइम भी बताया था उसने? हाँ सर, उसने बोला 9 जहर मिला देना। 9? किसके कमरे में जहर मिलाया था 9? दोनों के कमरे में? सिर्फ मेघा मैडम के कमरे में, दूसरे कमरे में बाद में मिलाया जहर। लेकिन मैं मेघा मैडम के कमरे में 15 लेट पहुंचा। मैं जहर मिला ही रहा था कि
क्या कर रहे हो? कमरे में कैसे घुसे? मैं अभी अनिश को बुलाती हूँ। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा सर, मैंने तो डर की वजह से सिर्फ उसका मुंह बंद रखा था, वो तो अचानक ही मर गई। मतलब जब तक वो मरने गई तुम उसका मुंह दबा के रखा था तुमने? मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा सर। शर्म नहीं आती? मार भी दिया और कहते हो कि जानबूझकर नहीं मारा, लाश वहां से कैसे गायब कर दी? सर अनीश तो दरवाजे पर खड़े थे। वो मालूम है हमें, ये बताओ लाश को 20 किलोमीटर दूर कैसे ले गए? मैं इसी के रास्ते बाहर आया और बड़ी मुश्किल से लाश को बाहर खींचा, राकेश बाहर गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। तो राकेश भी मिला हुआ था तुम्हारे साथ? जी हाँ। और वो गाड़ी कहाँ है जिसमें लाश लेके गए थे? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर, वो राकेश की गाड़ी थी, उसने उसका क्या किया मुझे कुछ नहीं पता सर। राकेश को क्यों मारा? उसने तो तुम्हारी मदद की थी। सर मुझे लगा कहीं उसे आईडी सब कुछ बता ना दे। सर खूनी को मालूम कैसे था कि मेघा 9 बजे अपने कमरे में जाएगी? सर इस प्रीति और सोम्या को पकड़ते हैं, ये भी पता चल जाएगा। सर आप लोग यहाँ आइए, मेघा के बारे में कुछ पता चला सर? जी हाँ, उसी के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करने आया। मेघा के बारे में पता चल गया सर, कहाँ है वो? वो इस दुनिया में नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? किसी ने मेघा का खून कर दिया है। खून? किसने? वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने मारा मेघा को। हमें पता चला है कि पार्टी वाली रात में आप लोगों के बीच में कुछ गर्मा गर्मी हुई थी, किसी बात को लेके कुछ बहस वहस हुई थी क्या? बहस? बस मेघा की साड़ी के बारे में बात कर रहे थे, बस कुछ खास नहीं। कुछ खास बात नहीं तो फिर ये बीच में रोना धोना कैसे शुरू हुआ? देखिए चुप रहने से कोई फायदा नहीं है, जो कुछ हुआ है साफ साफ बताइए, बताइए। सर वो सौम्या ने जानबूझ के मेघा के ड्रेस पे ड्रिंक फेंक दिया था, इसीलिए वो थोड़ी उदास हो गई थी। जानबूझ के ड्रिंक फेंकी थी? हाँ सर, मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था कि शायद गलती से गिर गया होगा, पर बाद में पता चला कि जानबूझ के किया गया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर मेघा रोते रोते अपने कमरे में चली गई। अच्छा अच्छा, जानबूझ के ड्रिंक गिराई ताकि वो साड़ी बदलने या उसे साफ करने के लिए उसी कमरे में जाए जहाँ पे खूनी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। सोम्या को पकड़ना होगा। जी कहिए, किनसे मिलना आपको? सौम्या है घर पे। जी आप कौन? हम लोग उनके रिश्तेदार हैं, उन्हें ले जाने आए। कहाँ पे? उनके ससुराल में। अब जल्दी से बताओ वो है घर पे? ये सियाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है? लगता है मेरे बारे में पता चल गया उन्हें। भाग रही है वो, जल्दी पकड़ो उसे। कि आग इतनी भड़क गई कि तुमने उसका खून ही करवा दिया? मैं अनीश को बहुत चाहती थी, वो भी मुझे बहुत चाहता था, धोखा दिया उसने मुझे, आखिरी वक्त उसने मुझे शादी से मना कर दिया,
रेखा से उसे शक्ति कर ली। धोखा दिया तुम्हें अनीश ने और खून करवा दिया तुमने मेघा का, ये कैसा बदला है? वो मेघा को बहुत चाहता था, शायद अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, इसलिए मैंने मेघा का खून कर दिया ताकि उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाए, वो हार कर मेरे पास आ जाए। अनीश से बदला लेने के लिए तुमने मेघा को मरवाया, और निशा, निशा ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? अनीश की होटल की बदनामी चाहती थी मैं, इसलिए मैंने निशा का भी खून करवा दिया। तीन तीन खून किए तुमने, तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता।